नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। नेशनल हेराल्ड केस की जांच की आज कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को खड़गे से पूछताछ की है। उन्हें ईडी के समन जारी कर आज इस मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। नेशनल हेराल्ड केस की जांच सुब्रमण्यम स्वामी की शिरकत पर शुरू की गई थी। उन्होंने 2012 में अदालत में अर्जी दायर कर कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। दोनों टीमों ने अपने मेजबान होने के नाते सीधे ही इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दुबई में रविवार को आईसीसी की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली बार कुल 20 टीमें भाग लेंगी। आईसीसी ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिका की टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी। चीन ने हाल ही में अपने विशालकाय Y-20 कार्गो विमान में से आधा दर्जन को रूसी सहयोग सर्बिया को कथित तौर पर एक एडवांस मिसाइल सिस्टम डिलीवर करने के लिए भेज दिया है। इसे चीनी वायुसेना द्वारा सबसे बड़ा विदेशी ऑपरेशन बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना के लिए यूरोप में बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट विमान तैनात करना बेहद दुर्लभ मामला है। भारत में कोरोना मामलों में फिर गिरावट देखने को मिली है। 5 दिन बाद देश में कोरोना के 1000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 861 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 3 अप्रैल को कोरोना के 913 और 4 अप्रैल को 795 मामले मिले थे। ट्विटर पर लगातार आधिकारिक अकाउंट्स का हैक होना जारी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार का खाता हैकिंग का शिकार हुआ है। खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यालय का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट में भी सोमवार को संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। इस दौरान यूपी सरकार के खाते में कई अलग अलग पोस्ट की गई। बिहार विधानसभा उपचुनाव के तहत कल बोचहां सीट पर मतदान हो रहे हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रचार प्रसार रविवार को ही बंद हो गए हैं, लेकिन प्रचार प्रसार बंद होने के बाद अब सभी को मतदान वाले दिन की नजर है। इस चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। हैक करने के बाद NFT ट्रेडिंग को लेकर ट्वीट किया गया है। हैक अकाउंट से ट्वीट किया गया कि बियांस आधिकारिक संग्रह के प्रकटीकरण के उत्सव के तहत हमने अगले 24 घंटे के लिए कम्युनिटी के सभी सक्रिय NFT व्यापारियों के लिए एक एयर ड्रॉप खोला है। दिल्ली सरकार सिग्नेचर ब्रिज की 154 मीटर ऊंचाई से शहर का विहंगम दृश्य दिखाने संबंधी अपने परियोजना को रद्द करने की योजना बना रही है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि पर्यटन विभाग ने लिफ्ट के संचालन के लिए संबंधित एजेंसी से अनुमति मांगी थी ताकि लोगों को सिग्नेचर ब्रिज के 2 बड़े खंभों में लिफ्ट से पुल की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके, लेकिन विभाग मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहा है। पाकिस्तान में गलती से जा गिरी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 9 मार्च 2022 को भारत के बिना हथियार की सुपरसोनिक मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई थी और एक उच्च स्तरीय जांच में पता चला है कि इस घटना के पीछे ब्रह्मोस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर की गलती थी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि कमांडिंग ऑफिसर के अलावा और भी कई क्रू मेंबर की गलती का नतीजा था। इस लापरवाही के लिए भारतीय वायुसेना ने 1 से अधिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और इनके खिलाफ जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। इस हादसे में पाकिस्तान में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। रामनवमी के दिन देश के 5 राज्यों में हिंसा भड़की थी। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात के इलाके में बवाल हुआ है। हिंसक झड़पों में कई लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली के JNU में तो छात्र संघ के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। पाकिस्तान में मचा सियासी भूचाल अभी थमा नहीं है। पिछले महीने से जारी सियासी घमासान में एक भूमिका वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की भी रही थी। पहले कहा जा रहा था कि वो भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, हालांकि अब उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ऑफिस का हवाला देते हुए कहा गया है कि वो इस्तीफा देने के खिलाफ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान को केयर टेकर PM बने रहने का आदेश पारित किया था। अपने आदेश में उन्होंने इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दोबारा चुनाव कराने की बात कही थी। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये के कारण हुई फजीहत से बड़ा सबक लिया है। पार्टी ने अब कांग्रेस कल्चर से जुड़े नेता यानी कांग्रेस से शुरू से जुड़े कांग्रेसियों पर ही भरोसा करने का फैसला किया। यही कारण है कि पंजाब में पार्टी की कमान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को दे दी गई है। वंडिंग युवा नेता होने के साथ ही पुराने कांग्रेस से भी है। वो पंजाब में तेज तर्रार नेता माने जाते हैं।
मारुति सुजुकी ने नई MPV XL6 की बुकिंग शुरू कर दी है। 2022 मारुति XL6 लॉन्च के बाद XL6 महिंद्रा मराजो किया केरेंस और इर्टिगा को कड़ी टक्कर देगी। ग्राहक किसी भी नेक्सा शोरूम में ऑल न्यू XL6 को 11,000 रुपए का भुगतान कर प्री बुक कर सकते हैं। बिल्कुल नई XL6 MPV को मारुति की नेक्सा 9 ऑफ प्रीमियम डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में सरकारी नौकरी अपडेट है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। संस्थान द्वारा 7 अप्रैल 2022 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार MTS के 31 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार IPR की आधिकारिक वेबसाइट ipr.res.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पर जा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजती है। ये 6,000 रुपए एक बार में नहीं बल्कि साल के दौरान 3 समान किश्तों में भेजे जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आखिरी किश्त 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में भेजी गई थी। योजना के तहत ये 10वीं किश्त थी जो किसानों को सरकार की तरफ से दी गई थी। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में दिन के समय तेज धूप जैसे आसमान से आग बरसा रही हो। बढ़ते तापमान के साथ ही लू के थपेड़ों में लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में लू की चेतावनी दे दी है। IMD के मुताबिक राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्से, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में गर्मी के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। दिल्ली के कई जगहों पर हीट वेव कंडीशन और बहुत से इलाकों में सीवियर हीट वेव कंडीशन की भविष्यवाणी की गई है। झारखंड के देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू का काम जारी है। रोपवे पर फंसे 32 पर्यटकों को रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर से नीचे उतारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोगों को नीचे लाने में सफलता नहीं मिल पा रही थी। हवा में अभी भी 8 ट्रॉली में 32 लोग खबर लिखे जाने तक लटके हुए थे। उन्हें फंसे हुए लगभग 18 घंटे का समय हो चुका था। वहीं जिला प्रशासन ने एक महिला की जान जाने की पुष्टि भी की है। बता दें कि त्रिकुट पहाड़ के रोपवे में फंसे पर्यटकों को सकुशल नीचे उतारने के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर ट्रॉली के नजदीक पहुंचकर वापस लौट गया। गुजरात में भरूच जिले के रासायनिक कारखाने में विस्फोट के बाद आग लग गई है, जिससे 6 कर्मियों की जान चली गई है। अधिकारियों ने बताया है कि यह घटना अहमदाबाद के करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज औद्योगिक क्षेत्र स्थित इकाई में रविवार देर रात 3 बजे हुई। भरूच पुलिस अधीक्षक लीना पाटिल ने बताया है कि हादसे में जान गंवाने वाले 6 लोग उस संयंत्र के निकट काम कर रहे थे, जिसे विलायक आसवन प्रक्रिया के दौरान अचानक स्थिति खराब होने से हुई। उन्होंने कहा है कि संयंत्र में विस्फोट के कारण कारखाने में आग लग गई और संयंत्र के निकट काम कर रहे सभी 6 लोगों की जान चली गई है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सोमवार को आराकोट में सरेंडर किया है। बाद में 5,000 रुपए की जमानत राशि पर आरके सिंह की बेल मंजूर कर ली गई। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 144 के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया था। बता दें कि अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह के गुजर जाने के बाद बीते 4 अप्रैल को आरके सिंह की बेल कैंसिल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के 2 समूह के बीच रामनवमी के अवसर पर छात्रावास के बेंच में कथित तौर पर मांसाहारी भोजन पर उसे जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों पक्षों के कम से कम 16 छात्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल शाम परिसर में झगड़े में घायल हो गए थे। तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने स्वयं ही सदन में प्रस्ताव पेश किया और केंद्र सरकार से CUET वापस लेने का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीट की तरह ये CUET देश भर में विविध स्कूली शिक्षा प्रणाली को दरकिनार कर देगा। दिग्गज अभिनेता शिव सुब्रमण्यम का बीती रविवार की रात निधन हो गया। मशहूर फिल्ममेकर हंसल मेहता ने एक्टर के निधन की जानकारी ट्वीट करके दी है। शिव एक एक्टर होने के साथ साथ अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है। एक्टर के निधन से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। शिव के निधन की दुखद खबर देते हुए हंसल मेहता ने ट्वीट कर लिखा कि गंभीर और हार्दिक दुख के साथ हम आपको मानव रूप से सबसे प्रतिष्ठित और महान लोगों में से एक हमारे प्रिय शिव सुब्रमण्यम के निधन के बारे में सूचित करते हैं। यूक्रेन में जैसे ही युद्ध जारी हुआ, यूरोपीय देशों के नेताओं, विशेष रूप से जर्मनी को यह एहसास हो गया कि उन्होंने रूसी ऊर्जा पर इतना निर्भर होकर एक गंभीर गलती की है। वर्तमान में यूरोप अपनी प्राकृतिक गैस जरूरतों के लगभग 40% के लिए रूस पर निर्भर है और यूरोपीय नेताओं ने अपने निर्भरता को 2/3 कम करने की कसम खाई है।
एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के बीच इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC के दोनों शेयरों में कमजोरी के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में लगभग 400 अंक टूट गया। सेंसेक्स में HCL टेक्नोलॉजी, इंफोसिस, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, M&M, HDFC और HDFC बैंक गिरने वाले प्रमुख शेयरों में से थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2022 सीजन की खराब शुरुआत की है। सीजन में CSK ने अब तक अपने सभी 4 मैच गवा दिए हैं। IPL 2022 सीजन में एक भी अंक के बिना गत IPL चैंपियन IPL अंक तालिका में सबसे नीचे हैं। शनिवार को सनराइजर हैदराबाद से CSK की हार के बाद भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा कि टीम ने दक्षिण अफ्रीका के स्टार फाफ डुप्लेसी को जाने देने की गलती की है और रवि शास्त्री को लगता है कि रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए, कप्तानी पर नहीं। अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर घोटाला मामले में CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लिया है। CBI ने पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी और पूर्व CAG शशिकांत वर्मा, वायुसेना के 4 रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड और VVIP चॉपर घोटाला मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इनके खिलाफ समन जारी किया है। सभी आरोपियों को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। रामनवमी की जुलूस यात्रा के दौरान रविवार को पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक जमकर उपद्रव हुआ। इस घटना के दौरान गुजरात में एक शख्स की जान चली गई है। इधर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तानी संगठनों पर निशाना साधते हुए 7 राज्यों का जिक्र किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पिछले कुछ दिनों में हिंदुत्व मॉब पुलिस की शह पर कम से कम इन जगहों पर हुई हिंसा में शामिल हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में हाजिर हुए और फरियादियों की शिकायतें सुन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते गए और मुंगेर में आए एक शख्स ने CM नीतीश से शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को फोन लगाया। दरअसल मुंगेर के फरियादी ने CM नीतीश से कहा कि उनकी बेटी की साल भर पहले जान चली गई थी, जिसकी सांप काटने की वजह से गई थी। सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि नहीं दी गई है। इस पर उन्होंने आपदा प्रबंधन के सचिव को फोन पर कहा कि इस मामले को देखिए और सहायता राशि दे। लेट्स इंस्पायर बिहार, बिहार युवाओं को इंस्पायर करने आगे आया है, उनको रोजगार की राह दिखाने, समाज को राह दिखाने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहा है। लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ मिलकर बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति परीक्षा को अंजाम देने के लिए NLCEE बिहार के प्रत्येक जिले में जिला प्रमुख और अन्य पदों के लिए अत्यधिक प्रतिबद्ध और अनुभवी व्यक्तियों की भर्ती कर रहा है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपना असर दिखाने लगा है। नोएडा के सेक्टर 40 स्थित एक निजी स्कूल में कुछ छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। 3 कक्षाओं के बच्चों में पुष्टि होने के बाद स्कूल में हलचल बढ़ गई है। स्कूल प्रबंधन ने अन्य छात्राओं के परिजनों को भी इस संबंध में जानकारी दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सुमन कुमार, जितेंद्र कुमार, साहिल कुमार, मंजीत कुमार सिंह, रवि कुमार, नन्नू कुमार, मंजीत कुमार, नीतीश कुमार। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बॉलीवुड में आपका सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन सा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।